हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसका ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, रिजिड बॉडी मूवमेंट। तो सबसे पहले तो आपको रिजिड बॉडी जानना पड़ेगा कि ये जो रिजिड बॉडी है ये क्या है। ठीक है, रिजिड बॉडी अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ये रिजिड बॉडी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका दूसरा या तीसरा लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि रिजिड बॉडी क्या है। फिर भी यहां पर एक तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि रिजिड बॉडी होता क्या है। ठीक है, रिजिड बॉडी ये होता है ना, जैसे कि मान लो कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, यहां पर ये बॉडी मैंने बनाया। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है अगर मान लो, तो रिजिड बॉडी इसको बोले जाएगा ना कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है। मान लो ये एक्सटर्नल लोड कोई अप्लाइड हुआ, एक्सटर्नल लोडिंग कोई दिया गया तो इस बॉडी के, तो इस बॉडी के शेप में बोला जाए या साइज में बोला जाए, शेप या साइज में बोला जाए या इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन की बार बोला जाए, ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात किया जाए इस बॉडी, तो इस बॉडी के शेप साइज ज्योमेट्रिक डिजाइन में कोई चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर अगर एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आता है, उसी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। उसके शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, उसके साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, उसके ज्योमेट्रिक डिजाइन में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसको रिजिड बॉडी बोला जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि रिजिड बॉडी मूवमेंट क्या होगा। जो लिखा है यहां पर रिजिड बॉडी मूवमेंट की बात कर रहा हूं, रिजिड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी मूवमेंट की मैं अगर यहां पर बात समझाऊं कि जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है। ठीक है, इस पे ये कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, ये मान लो ये बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब ये बॉडी पे कोई फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो जैसा है वैसे ही ये कहां पर, यहां पर मूव होके आ जाता है। इसके शेप और साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये ए बॉडी था रिजिड बॉडी, ये यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये यहां से और यहां तक आया तो इसी मूवमेंट को, मान लो ये एक्स जितना आया तो इसी एक्स को ही बोला जाएगा रिजिड बॉडी मूवमेंट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट की मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया उसी को बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ये ए प्लेस पे था और बी प्लेस पे चला गया। ठीक है, ए प्लेस पर था और बी प्लेस पर चला गया तो क्या बोलेंगे यहां पर, यहां पर पहले नंबर तो रिजिड बॉडी पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या बोलता है। तो रिजिड बॉडी ये बोलता है कि इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस और कोई भी स्ट्रेन नहीं आएंगे। ठीक है, पहला नंबर तो ये पॉइंट ही आ जाएगा इससे कि डज नॉट कॉज एनी, डज नॉट कॉज एनी स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा और ना ही स्ट्रेन आएगा। ठीक है, ना तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, एंड करके लिख लो, एंड ना ही स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट की मैं बात बताया कि ए प्लेस से दूसरे बी प्लेस पे चला गया तो ये जो यहां से इसके बीच में जो डिफरेंस है वही उसका क्या बताता है, रिजिड बॉडी मूवमेंट बताता है। ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि ताकि आपका ये पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, आपके एग्जांपल के तरीके से मैं समझा देता हूं कि ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। जैसे कि मैं पॉइंट बोलूं यहां पे इस तरीके का कोई ये सरफेस है। ठीक है, यहां पे इस तरीके का कोई सरफेस है इस तरीके का। ठीक है, और यहां पर कोई एक
डिफॉर्मेबल बॉडी है, ये डिफॉर्मेबल बॉडी है ठीक है, इसके ऊपर एक और रिजिड बॉडी, ये समझ लो कि ये रिजिड बॉडी है ठीक है, ये रिजिड बॉडी है ठीक है, ये रिजिड बॉडी है और एक और यहां पर वेल्डिंग करके एक और बॉडी यहां पर लगा दिया गया ठीक है। और ये सब मटेरियल है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये सब रिजिड बार है, बोल सकते हो यहाँ पे कि ये रिजिड बार है, ये रिजिड बार है, ये भी रिजिड बार, ये भी रिजिड बार बोल सकते हो। अब यहां पर देखो ये डिफॉर्मेबल बार है, ये जो है डिफॉर्मेबल बार है ठीक है, ये भी सेम डिफॉर्मेबल बार है। अगर इसके ऊपर ये पी लोड अप्लाई होता है, ध्यान देना ये पी लोड अप्लाई होता है, तो पी लोड अप्लाई होने के कारण ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। और ये जो पॉइंट है ये कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, और ये वाला कहां पर आ जाएगा, यहां पर, यहां तक आ जाएगा ठीक है। ये वाला पॉइंट ये डिफॉर्म हो गया है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये यहां पर आ गया ठीक है, और ये जो था यहां तक था वो यहां पर आ गया। इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन होगा नहीं, मतलब ये पहले इस प्लेस पे था, देखो ये इस प्लेस पे था, अब कहां पे आ गया, ये इस प्लेस पर आ गया। तो इसी मूवमेंट को बोला जाता है क्या, इसी मूवमेंट को रिजिड बॉडी मूवमेंट बोला जाता है ठीक है। अभी ये मटेरियल अगर डिफॉर्मेबल भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड नहीं है ठीक है, लोड इसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके कारण ये इसके अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा ठीक है, ना ही स्ट्रेन होगा, तो इसके कारण ये जो बताएगा ये रिजिड बॉडी मूवमेंट को बताता है ठीक है, ये रिजिड बॉडी मूवमेंट को आपको बता देगा कि कितना। अभी मैं यहां का डिफ्लेक्शन मान लू, यहां इसका डिफ्लेक्शन अगर एक्स है, तो ये अगर फाइंड आउट करना हो तो मैं यहां पर अगर इस बॉडी को फिर से थोड़ा सा यहां पर मैं बताऊं ठीक है, इसको मैं ना अलग से डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ ठीक है, इस तरीके का, ये इस तरीके का है ठीक है, ये इस तरीके का। पहला नंबर तो एक बॉडी ये है ठीक है, दूसरा बॉडी आपका ये है, तीसरा बॉडी आपका ये है ठीक है, ये तीन बॉडी है। अब देखो यहां पर जो लोड अप्लाई किया गया है, ये इसके ऊपर ये पी लोड अप्लाई किया गया, पी ठीक है, पी लोड अप्लाई किया गया, तो पी लोड तो इसके अपोजिट में भी चाहिए, तो एक P बाय टू इधर से और P बाय टू इधर से दे दिए, तो ये स्टैटिक में हो गया ठीक है। अब P बाय टू इसको इस तरफ दिए हैं, तो इधर भी P बाय टू देना पड़ेगा, यहां पर ये लोड दिया तो इस तरफ भी P बाय टू हो जाएगा ठीक है, समझ में आ, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ गया P बाय टू और नीचे भी P बाय टू ठीक है। तो अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन चाहिए, मान लो डिफ्लेक्शन हुआ है, तो डिफ्लेक्शन देखो लोड आपको मिल गया, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ एरिया होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन अगर डेल फाइंड आउट करें, डेल एल, तो क्या मिलेगा, पी एल अपन ए ई होता है, और पी क्या है, पी बाय टू एल अपन ए ई, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। और इतना ही अगर मैं डेल एल की बात करूं, ये डेल एल ही इतना ही उसके अंदर, ये देखो ये जितना नीचे आएगा उतना ये भी नीचे आएगा, उतना इसका रिजिड बॉडी मूवमेंट भी आएगा, तो इसका बॉडी का मूवमेंट भी रिजिड बॉडी मूवमेंट भी इतना ही होगा ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, रिजिड बॉडी मूवमेंट भी इतना ही होगा ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल लेके आप देख सकते हो और पता कर सकते हो ठीक है, कि ताकि आपको आइडियाज मिल जाए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है, मान लो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर अगर करोगे ना तो आपका बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा ठीक है। इसकी जो अगर आइडिया बात करें तो इसका आइडिया जो होगा वो एकदम, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार का बार है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये इस प्रकार का कोई प्लेस है ठीक है, और यहां पर ध्यान दें, ये यहां पर एक, मतलब ये मान लो नंबर वन है ठीक है, वन है, फिर बाद में एक यहाँ पर है आपका टू कॉलम, और इसके ऊपर एक डिफॉर्मेबल बार है ठीक है, ये डिफॉर्मेबल बार है, और इसके साथ एक और बार जुड़ा हुआ है ठीक है, ये थ्री लिख सकते हो, और इसके ऊपर एक लोड पी अप्लाई हुआ है ठीक है। ये जो है ये आप रिजिड बॉडी ले लो, ये रिजिड
बॉडी है, ठीक है। बाकी ये सब डिफॉर्मेबल है, ये भी डिफॉर्मेबल है, ये भी डिफॉर्मेबल है, ठीक है, ये भी डिफॉर्मेबल है, ये भी डिफॉर्मेबल है, और ये भी डिफॉर्मेबल है। ये भी ध्यान देखना है, 1, 2, 3 जो है ये बार वो डिफॉर्मेबल बार है। अब यहां पर आप देखोगे कि इसके अंदर कितना रिजिड बॉडी मूवमेंट आया है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखोगे तो कितना रिजिड बॉडी मूवमेंट आ रहा है और कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो चीजें हमें देखना है। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पे पूछ देता है कि जो ये थर्ड नंबर का बार है इसके अंदर कितना, मतलब देखो मूवमेंट आएगा तो इसमें ही आएगा, मूवमेंट आएगा तो किसके अंदर आएगा, इसी में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ बोलेगा कि इसके अंदर डिफॉर्मेबल कितना होगा, ठीक है। इसका अंदर डिफ्लेक्शन पूछ लेता है, डिफॉर्मेशन पूछ लिया तो कितना होगा, वो चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीजें मैं कॉन्सेप्ट यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका ये बार आप देख रहे हैं, फिर एक तो आपका ये बार होगा, ये मान लो ये पहला था, ये दूसरा है, सबका क्रॉस सेक्शन सेम है, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इसके ऊपर इस साइड में अगर पी लोड है तो इधर भी पी लोड हो जाएगा, समझ में आ गया होगा पी लोड। अब यहां पर देखो ये पी लोड है, ठीक है, तो यहां पर ये जो बना हुआ है यहां से आपको आइडिया मिलेगा, तो इसका इस तरफ भी पी होगा और इस तरफ भी पी होगा। अब इस तरफ अगर ये पी है, ध्यान देना, इस तरफ पी है, इसके ऊपर आ गया तो उसको इस तरफ कितना आएगा, पी बाय टू आएगा, और ऐसे टाइप का लोड होगा, देखो इस तरीके का लोड होगा ना, ये पी बाय टू। यहां पर अगर ये आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ पी है तो ये ऊपर की तरफ पी बाय टू, और यहां पर ऊपर की तरफ पी बाय टू होगा, यहां पर पी बाय टू हो गया। अभी यहां पर ऊपर की तरफ है तो यहां पर नीचे की तरफ पी बाय टू होगा, यहां पर भी ऊपर की तरफ पी बाय टू होगा, यहां पर आपको नीचे की तरफ पी बाय टू, और यहां पर ऊपर की तरफ पी बाय टू, ठीक है। ये आपको लोड पता चल गया, ठीक है। अभी यहां पे देखो इन डिफॉर्मेबल बार के बारे में अगर बोलूं तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन कितना होगा, अगर डिफॉर्मेशन को एक्स मानता हूं तो कितना होगा, इसकी बात करूं तो पी बाय टू एल अपॉन ए होगा, ये इतना डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उतना इतना तो ये इसका रिजिड बॉडी मूवमेंट हो जा रहा है, इतना तो इसका रिजिड बॉडी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इस लोड के कारण इसके अंदर डिफॉर्मेशन भी आ जाएगा, इस लोड के कारण। अभी ये एक्स जो है ना, ये सेकेंड और फर्स्ट का क्या है, डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन है, फर्स्ट और सेकेंड का डिफॉर्मेशन है। और यही फर्स्ट और सेकेंड की डिफॉर्मेशन की बात करूं, ये जो डिफॉर्मेशन है ये थर्ड बार का क्या होगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा, क्या होगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा। लेकिन थर्ड बार का अगर डिफॉर्मेशन की बात करें, थर्ड बार में कितना डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, थर्ड बार में कितना डिफॉर्मेशन होगा, तो थर्ड बार की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना यहां पे, थर्ड बार का अगर सिर्फ बार का डिफॉर्मेशन बोलते, यहां पर जो रिजिड बॉडी मैंने थर्ड बार का बताया ना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी का। एक तो आप यहां पर देखोगे कि ये इतना जितना तो डिफॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके अंदर एक और जुड़ जाएगा, ये बॉडी जो है अब ये जो देख रहे हो इसके अंदर भी तो कुछ डिफॉर्मेशन आया होगा, तो वो भी तो उसके अंदर चेंज है, तो उसके अंदर एक पी एल अपन ए भी जुड़ जाएगा। और ये जो थर्ड बार का है वो थर्ड बार का डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, थर्ड बार का अगर मान लो एक्स थ्री की बात करूं तो कितना हो जाएगा, पी एल अपन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स थ्री और एक्स टू का दोनों ऐड कर दोगे तो रिजिड बॉडी मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट को देखते रहोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखोगे तो आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा।
आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि इन सब का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे देगा, फिर बाद में इसका लेंथ दे देगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, ठीक है, फिर जो ये दोनों को सेम दे देगा, इसका डिफरेंट दे सकता है, मतलब तीनों का अलग अलग, ये तीनों का दे देगा ई, ठीक है, इन तीनों का ई दे देगा कैपिटल ई, इन दोनों का एल दे देगा, इन तीनों ए दे देगा, ठीक है। अब पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि आपको ये यहां पर जो ये पी जो है ना पी कितने अमाउंट, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर मैक्सिमम जो अलाउबल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, कितना लोड लगाएं कि इसके अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 mm हो, मतलब इसके अंदर डिफ्लेक्शन 1 mm हो, तो वो सारे पॉइंटों को भी आप ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए नेक्स्ट चैप्टर्स, जो नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, नहीं नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपकी आइडिया जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।